सी यू सर। ओके अब चलता हूँ। संभल के सर। बाबूजी ठीक से पकड़ के बैठिए। मैं पकड़ा हूँ, तुम संभाल के चलाओ। और कार्यक्रम कैसा रहा? सब अच्छा ही रहा, बस ये बताओ तुम क्यों नहीं आए? हाँ पता है, आप सब रिटायर्ड टीचर्स मिल के छात्रों से पैसा वसूल के 5 रुपए मेरी बिस्किट और चाय पी के भाषण देते रहेंगे, वो सुनने के लिए अपन आएगा। अबे तुम्हें जलन हो रही है, मेरी तारीफ सुनकर तुम्हें जलन होती है? हाँ आप तो एंग्री ओल्ड मैन अमिताभ बच्चन जी हैं, और आपके डायलॉग सुनकर हम तालियां बजाएंगे क्या? अपनी औकात पे रहिए। तेरी क्या औकात है? अरे अपुन के सामने बिल गेट्स, अंबानी, टाटा बिरला, विजय माल्या, ये सब तो कुछ भी नहीं है आज की तारीख में, ये आप नहीं समझेंगे। विजय माल्या बीर बेचने वाला है। विजय माल्या बीर बेचे या तीर बेचे, जो भी बेचा लेकिन पैसा तो कमा लिया ना। सांप सांप कहाँ है सांप भोंदू? यहाँ से उसकी आवाज जो आ रही थी। अरे खोजू, वो तो मैं थी, इनसे बचाने के लिए तुझे बुलाया था। चल 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 तू भी चलेगा? हे भगवान अब क्या करें हम। हे शोभराज ये बहुत तंग कर रहा है यार। अरे यार अपन तंग नहीं करेगा, चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे साथी जरा उस डस्टबिन को किनारे पे रख देना। कौन है? माय फ्रेंड्स, ये लोग एक नंबर के लौंडियाबाज हैं सर। यही तुम्हारे दोस्त हैं? खाकी वर्दी में आ रहे हैं, कॉर्पोरेशन में काम करते हैं क्या? पुलिस स्टेशन में काम करते हैं। उन्हें यहाँ क्यों बुलाया? तुमने जो किया उसके लिए पुलिस ने तो फौज को बुलाऊं क्या? अरे बेरहम, नेपोलियन कल्याणी यही है क्या? हाँ नेपोलियन इंस्पेक्टर है और कल्याण के हवलदार। ए, नाम ले रहा तू? इसलिए लड़की का अगवा करता है, चल। देश में रहेंगे तो हमारी जमीन को तू हथियाएगा, ऐसे कितने लोग निकल पड़े हैं? साहब अपुन को समझा नहीं। तू समझा नहीं मेरी जमीन को तू तेरा कह रहा है? साहब हमने पैसे देके खरीदी है ये दुकान। मेरी जमीन को तूने किससे ली? अभी खाली करो मेरी दुकान वरना सारा सामान बाहर फेंक दूंगा। सर आप चाहे तो अभी रजिस्ट्रार ऑफिस जाके चेक कर सकते हैं। मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, तू मुझे मत सिखा, उससे जाकर पूछ जिसे तेरे बाप ने पैसे दिए थे। तेरे जैसे कई ठग मैंने देखे अपनी जिंदगी में, अभी जाके सारा सामान बाहर फेंक। प्लीज सर मेरी बात हट। सर प्लीज सर छोड़िए सर। अरे हट सर हट। मेरी किताबों को पढ़ रही सर, अब रोकिए सर प्लीज सर। गिराने से कोई फायदा नहीं, उसी से जाके पूछ जाना। वो जगह महेंद्र के नाम पर ही है, उसी नाम से किसी ने तुम्हारे पिताजी को धोखा दिया, कोई डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाकर बेच दिया। डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बनाकर बेच दिया? अरे रजिस्ट्री तुम्हारे ऑफिस में तो हुई थी ना, और डॉक्यूमेंट भी तुमने बना के दिए थे। खतरा रजिस्ट्री यही हुई है, आने वाला धोखा देने वाला है किसको पता है, वो सब तुम्हें देखना है। किसी फ्रॉड ने तुम्हें धोखा दिया तो मेरे गिरेबान क्यों पकड़ता है? अब जाओ, पहले जाके उससे पकड़ो जिसने तुम्हारे बाप को धोखा दिया। आखिर कब तक तुम प्लेटफॉर्म पर किताब बेचते रहोगे? वहाँ से तुम यहाँ शिफ्ट कर लो, ऊपर नीचे हर जगह घर बना सकते हैं। तो मैं तुम्हारी दुकान में आके किताब पढ़ते रहूंगा। यहाँ गणेश कौन है? गणेश तो बहुत है यहाँ, लंबा गणेश, नाटा गणेश, मोटा गणेश, कौन सा गणेश चाहिए? जो घर बेचता है। अरे अपना वो गणेश, वो अंदर बाएं तरफ बैठा हुआ है। डॉक्यूमेंट हमने तैयार कर दिए हैं, पहले आप पैसे लेके आइए, 12 बजे सब आ जाएंगे। सर ये घर बेचने वाला गणेश कौन है? मजाक कर रहा है क्या? जिसे तू बाहर बात कर रहा था वही तो गणेश है, इसे जाके पकड़ो ना। सर जी कोई मुझे ढूंढ के रजिस्ट्री ऑफिस पहुंच गया, मैं क्या करूं? तूने मेरे पिताजी को धोखा दिया, मुझे क्यों मारे? गरीबों के साथ खेलेगा? चल ये छोड़ मुझे, चला मुझे। मेरे पिताजी को बचाओ, कौन मार रहा है? तू कौन है? थाम्बा। देखो भेड़ो पंगा नहीं, फिलहाल इससे काम चला ले, नहीं तो तुझे और तेरे बाप को अपुन टपका देगा। हुल देता है।
ये बिचौलिया है, इसने अपन को जमीन बेची है, पता है? तू काहे को बीच में बोलता है? भीड़ो, तू नहीं जानता। खैर अभी जाओ, दो दिन के बाद आना। अपन को किसने धोखा दिया ये जानना है, उससे मिलना है। अपन ने बोला ना दो दिन के बाद आना, जा। इस बीच ये फरार हो गया तो तू जिंदा नहीं रहेगा। स्वप्न घर नाम के प्रोजेक्ट को विनायका रियल एस्टेट वाले इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। 10,000 रुपए देकर फ्लैट बुक कर सकते हैं और उनके फंक्शन को मुझे कवर करना है। विनायका रियल एस्टेट कौन है? एमडी का नाम है क्योंबे, मेरे बारे पता लगा लिया ना? तू कौन है? शमशेर सिंह, विनायक रियल एस्टेट ओनर। समस्या का समाधान कैसे करना नहीं जानते हो? अब उनको जुद से मिलना है। तुम मुझसे मिल नहीं सकते। तू क्या खुदा है? नहीं, क्रिएटर हूँ। जो पैसा दे रहा उसे चुपचाप लेके चले जाओ। क्या क्या कर लेगा? तुम सोच भी नहीं सकते। क्यों धमकी दे रहा है? तेरे साथ कौन आया है? हेलो, तेरा दोस्त अभी वहाँ नहीं होगा। अब भरोसा हुआ? अब एक कॉन्फ्रेंस कॉल। नटराज कहाँ हो? निजाम पेट में भाई। निजाम पेट में कहाँ? बैंक में हूँ। वहाँ कौन है? हरीश का बाप आया। ओह नो, उन्हें कुछ मत करो। ए ए, अपन के बाप को कुछ मत करो। पैसा लेके भागने वाला है, उसके बाद क्या होगा पता नहीं। मेरे पैसे लेके भाग रहा है। पकड़ो उसको, पकड़ो। अरे मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे पैसे। सर प्लीज सर, अपन के बाप को कुछ मत करना। सर प्लीज सर। ओह गॉड, सर प्लीज सर। पकड़ो पैसे, मेरे पैसे। सर पकड़ो। क्या पैसा? पैसा गया तो वापस मिलेगा, मगर जान गई ना तो नहीं मिलेगी। हमें सावधान रहना है, चलता हूँ। ये लो भाई। हाँ भाई, अपुन ने बुढ़ाऊ को समझा दिया है, लौंडे को आप समझाइए। तेरे बाप की जान ले सकता था, क्यों छोड़ दिया पता है? ताकि तू मुझे जान सके। तू साला क्रिएटर है ना, आगे भेड़ना अपुन से। देखा तुमने, पोस्टर पब्लिसिटी कितने लगे हुए हैं। पहले तो कुछ नहीं था, अब तो पूरे हिंदुस्तान को लूटने के चक्कर में लगे हुए हैं। मंत्री ने उद्घाटन कर दिया है। गरीबों को बचाने के लिए हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। इससे कुछ नहीं होगा, हम पत्थर का जवाब तोप से देंगे, तोप से। नमस्कार हुजूर, कैसे है? हाँ ठीक हूँ, ठीक हूँ। नाम है बदरी, रहने वाला यूपी का है, एरिया आजमगढ़, दिलेर के गांव का है। मेरा रिश्तेदार है। इसका काम है बंदूक बनाना, दाने बनाना और बम बांधना और लोगों को सप्लाई करना। बम्बे में जितने भाई लोग हैं सबको यही सप्लाई करता है। सप्लाई करता हूँ। अरे भाई मैं तो वही बोल रहा अच्छा? था। नहीं यार, अपुन के खातिर। अरे अपुन तुम्हारा दोस्त है यार, वो भी मदद करेगा और हम भी मदद करेंगे। हम लोग एक ही फुटपाथ के है ना। हम फुटपाथी है इसलिए हम दर्द जानते हैं, उस कमीने को नहीं छोड़ेंगे। हरीश, मास्टर जी और उमा को तुम संभालो। हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं भी साथ। जल में प्रवाहित कर दो। ओम हरे मादंगे। सांबा हो क्या? हाँ मैं सांबा बोल रहा हूँ। क्या भी तू मर गया और मुझे बताया भी नहीं? क्या कहा, मर गया भाई? क्या बोल रहा है? अरे भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे घर के सामने की जो दीवार है वो उसकी पोस्टरें बोल रही हैं। भाई वहाँ पोस्टर किसने चिपकाया? ये नेक काम मैंने किया है। तो फोन पे कौन है? और वो भी मैं ही बोल रहा हूँ। क्यों भाई, हंसते हुए फोटो नहीं खिंचा सकता? चोर की तरह लग रहा है। आना, आजा आजा आजा। रुक बे, आजा आजा आजा। हरीश वो आ गया। अरे बेवकूफ, दरवाजा बंद कर। सच बता दूंगा। कई दिनों से बंद घर का बहुत अच्छी तरह मुआयना करते हैं। उस घर का कोई वारिस है या नहीं इसका पता लगाता हूँ। वो हमारे शहर में रहता है या विदेश में रहता है इसका भी पता लगाता हूँ। अगर घर लावारिस हो उसे बेचकर पैसा कमा लेते हैं हम लोग।
यदि समस्या खड़ी हुई तो इसके जैसे गुंडों से कहकर कुछ पैसे खिलाकर समस्या का समाधान कर लेते हैं। ऐसे ही महिंदर की दुकान अपन को बेचाना। हेलो, कौन? किरण वाला जी। हाँ, उस मकान को बेच दो, हमें पैसा मिल गया। डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। एवरीथिंग ओके, काम हो जाएगा भाई। 10,000 रुपए में जमीन और पट्टा, आप 5 लोगों को इसमें भर्ती कराइए तो आपके 10,000 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। ये आप जैसे उन गरीब लोगों के लिए बनाई हुई एक स्कीम है और आप जानते हैं कि इसका उद्घाटन मंत्री महोदय करेंगे और आपके गांव में आप ही हमारे एजेंट बनके काम करेंगे। उससे संबंधित दस्तावेज आपके घर खुद पहुंच जाएंगे। इस योजना से संबंधित फिल्म आप खुद देख सकते हैं। गोविंदा, गोविंदा। ऐसे सीन दिखाकर आप लोगों को चूना लगाने वाले हैं। सच कह रहा हूँ, एक न एक दिन देखिए आपको भी चूना लगाने वाले। गोविंदा, गोविंदा। आपको पता नहीं वो सरकार की जमीन है और सरकार उसे ले लेगी। गोविंदा, गोविंदा। हाय रे हाय, हाय रे हाय। हाय क्रिएटर। हाय, तुम हाय सुन के इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तू क्लाइमेक्स देखने वाला है। मच्छर समझ के हाथ रखा और शेर के मुंह में हाथ पाया, तू क्या अपन को बख्शेगा? तुझे तो खुदा भी नहीं बख्शेगा शमशेर। जैसे को जैसा मिला, कैसा मजा आया। आपको जोकर बना दिया मालिक। तू क्या, तेरा बाप भी मुझे। ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है मालिक। ओए, सारे फलाद की जड़ तू ही है। और क्या क्या उगला बोल, अबे बोल ना, क्या क्या उगला? नहीं मालिक, नहीं, नहीं। इस तरह हिला हिला के क्यों पूछ रहे हैं? अरे बम पे बिठा के सारा सच उगलवा लिया मालिक। क्या मतलब, तुमने सब कुछ उगल दिया? एक और सच बताना पड़ा मालिक। वो क्या है? इस योजना को पास करने के लिए मंत्री ने 2 करोड़ लिए, वो मैं भी जानता हूँ। गोविंदा, गोविंदा। इस योजना को पास कराने के लिए आवास मंत्री सदाशिव राव ने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर अपने पद का दुरुपयोग किया है। इस सिलसिले में आज विपक्षी दल ने संसद में हंगामा करके मंत्री सदाशिव राव की गिरफ्तारी की मांग की है। सीएम ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश। ये क्या, एक ही खबर को बार बार दिखा के मुझे जूते मार रहे हैं? क्या करेंगे, चिल्लर अमाउंट तो आप हमें दिलाते हैं, अरबों खरबों आप खुद डकार जाते हैं मालिक। ए, मैंने तो पैसा ही नहीं लिया। हेलो। हाँ बेटे, कैसा है? ए, तू है? तेरा बाप ही हूँ। तूने जो डॉक्यूमेंट लेकर गया ना, उसे तू मुझे फंसा नहीं सकता, क्योंकि अपन कोई भी काम डायरेक्ट डील नहीं करता। उसके बावजूद तू कोर्ट कचहरी गया तो कोई वादा नहीं है, 10 साल तक केस चलता रहेगा, लेकिन अपन 10 घंटे के अंदर केस को खारिज करवा देगा। तू 10 घंटे की बात कर रहा है, अपन तुझे 10 सेकंड में उठवा देगा। क्यों, धमकी देता है? नहीं नहीं नहीं, वो सब तेरा काम है, अपन तो सीधा डीलिंग करता है। ये बता, तू किसके साथ आया है? तेरे चमचो के साथ ना। अब जरा पीछे मुड़ के जीप की हालत तो देख। ए, ए, खोटी आवाज नहीं, कुछ बोला तो लुड़का दूंगा। गाड़ी में बैठ। ए, ए, तुम लोग निकलो, निकलो जल्दी, बोल अपन गाड़ी में बैठ। बैठ गया ना, तेरे किसी चमचे ने फॉलो किया तो समझ ले तू खलास। ए, कोई फॉलो नहीं करेगा, तू बोल ना। एक काम कर, तू सीधे शांतिनगर की ओर जा। शांतिनगर जाओ, शांतिनगर जाओ, जाओ। तू ही कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकता है, अपन भी कर सकता है, ये देख। हाँ बोल हरीश। हाँ बिजली भाई, पीए को फोन दो ना। हाँ बात करो। कौन हरीश? शांतिनगर की ओर जाओ, सीधे शांतिनगर जाओ। ए क्रिएटर, तू भी सीधे जाना। ए, सीधे जाओ, स्ट्रेट स्ट्रेट। आप ये, तू राइट की ओर जा। हाँ ड्राइवर, राइट। क्रिएटर, सामने कॉलेज दिख रहा है ना? हाँ हाँ देख रहा हूँ, आगे बोल। ये सामने आने वाला शमशेर है, 2 करोड़ का चुना लगाने वाला, पकड़ लो। अरे पकड़ने का क्या, आज तुम उसका जान तमाम कर दूंगा। मंगा रहा, बहुत मंगी पड़ेगी, बोल दिया। विधानसभा में हंगामा करते, चुना लगाते, तू हम लोगों को चुना लगाएगा? हाँ थैंक्स हरीश, मंत्री जी से कह के मैं तुम्हें एमएलए बनवाऊंगा। वो सब बाद में, शमशेर को छोड़ना नहीं, वो बड़ा खड़ूस है। एमएलए बनेगा? सारे फसाद की जड़ वो हरीश ही है। क्या कहा, हरीश? हाँ भाई, घर दिला के इसे धोखा दिया ना। समस्या लेके जब मंत्री के घर आए थे तब सुने थे क्या
इसलिए तुम लोगों की हवा बंद कर दी उसने। ए, तुम भी उसके साथ मिले हुए हो? अबे छोड़ना, मंत्री गेस्ट हाउस में इसकी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है, अगवा करने का काम अब तो शुरू हो गया। इन्फॉर्मेशन दी, अगवा करना हमारा काम है, तुमने कैसे किया? राजनीति में सब कुछ जायज है। फिलहाल हरीश कहाँ है? हरीश कहाँ है, क्या कर रहा है, किसको बता? कल रात लगभग 9 बजे कुछ अज्ञात लोगों ने 2 करोड़ रुपए घूस लेने वाले आवास मंत्री श्री सदाशिव राव को उनके बंगले से अगवा करके शहर से दूर ले गए हैं। पुलिस की एक टीम अपहरणकर्ता की तलाश में निकल चुकी है। देखा तुमने बेटा, यहाँ मैं अपने गेस्ट हाउस में आराम कर रहा हूँ। इन मीडिया वालों को अफवाह उड़ाने के अलावा और कोई काम नहीं मिला है। वो अफवाह नहीं, सही बोल रहे हैं। और वो अज्ञात लोग हम ही है सर। मजाक कर रहे हो? इमरजेंसी के दौरान हाथ में फूटी कोड़ी नहीं थी, फिर भी पुलिस वालों को चकमा देता रहा मैं। पुलिस वाले मुझे ढूंढते रहे और उनकी पूरी कार्रवाई को इसी तरह गेस्ट हाउस में बैठ के मैं यहीं से देख रहा था। हाँ, बिना सुरक्षा के मैं बैठूंगा क्या? ए, आओ आओ मेरे बच्चों आओ। ए, ये बच्चे मुझे अगवा करने आए हैं, इन्हें सबक सिखा दो। अच्छा सदाशिव राव, ये क्या, मैं एक मंत्री हूँ और मेरा नाम लेके बुला रहे हो तुम? वही तेरा नाम है ना, मंत्री हो या संतरी? तुम्हारी परेशानी क्या है, हमेशा मुझ पे क्यों निशाना साधते हो? अपन को धोखा देने वाले वो शमशेर, सांबा और गणेश, और फिर इस लिस्ट में जितने भी अफसर्स हैं, वो सब कल सुबह कोर्ट पहुँचने चाहिए। योर ऑनर, अंधेरी के महावीर स्ट्रीट में जो 15 नंबर का मकान है वो खाली है। हाँ बेशक, वो मेरा ही घर है, मेरे पिताजी ने बनाया था, बहुत ही लकी मकान है। और वो लकी मकान अब मेरा है। अब मुझे ही शिकार बना रहे हो? शिकार नहीं बना रहा योर ऑनर, ये देखिए असली दस्तावेज हैं, इन्होंने बना के दिए हैं। एवरीथिंग ओके। जज का घर? किसको पता था, बुजुर्ग थे और नाम लक्ष्मण। उस दिन उसने डरा धमका कर डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए बोला, अभी मालूम पड़ा कि वो घर जज का है। मेरे हस्ताक्षर से हूबहू मिल रहा है ये। सर जब आपकी ये हालत है तो हम जैसे आम लोगों के बारे में जरा सोच के देखिए। इसका शमशेर सिंह से कोई संबंध नहीं है योर ऑनर। है योर ऑनर, और थोड़ा वक्त देंगे, ये रियल एस्टेट बिजनेस के अलावा कहां कहां पर कितनों को चूना लगाया है मैं बता सकता हूं योर ऑनर। थैंक यू योर ऑनर। 2001 में कोल्हापुर में नंदना चिटफंड के नाम से लगभग 15 करोड़ रुपए हत्या के मासूम लोगों को धोखा देने वाला धोखेबाज है ये। और मथुरा में 2004 में दूसरे नाम से चिट कंपनी खोलकर और लगभग 25 करोड़ का चूना लगाकर भागने वाले हैं ये बिजनेसमैन। आगरा के गरीब लोगों को हाउसिंग लोन दिलाने का झांसा देखकर 15 करोड़ का चूना लगाया है, और पुख्ता सबूत भी है मेरे पास। योर ऑनर, ये झूठ बोल रहा है, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, इसका भरोसा मत कीजिए, वकील साहब बताइए ना। सर इनके खिलाफ कई सारे सबूत हैं, अगर आप आज्ञा दे तो मैं साबित कर सकता हूँ योर ऑनर। ओके प्रोसीड। आराम हाजिर हो कोल्हापुर के कुणाल और राजेंद्र। ये साजिश है जैसा, ना ये लोग झूठ बोले जैसा, मेरा विश्वास कीजिए जैसा प्लीज। पांडे जी, मथुरा के पांडे जी आइए ना। ये सब क्या? हाँ मथुरा में इसी ने हमें प्लॉट बेचा था, इसीलिए हमें धोखा दिया था मथुरा में। आगरा के भाइयों आइए आइए, यही है ना वो। ये वही वो चोर, इसे मत छोड़िए जैसा, हमें धोखा दिया, सजा दीजिए। जैसाब ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मुझे फंसाने की साजिश है ये, आप इनका भरोसा मत कीजिए, भरोसा मत कीजिए जैसाब, भरोसा मत कीजिए प्लीज। मैं आज तक आगरा नहीं गया जैसाब, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, कसम से बोला जैसाब, मैं ना तो कोल्हापुर गया ना ही मथुरा गया, मैं आपकी कसम खा के बोल रहा हूँ जैसाब, मैंने किसी को 50 या 100 करोड़ का चुना नहीं लगाया जैसाब, और मैं आज तक मुंबई छोड़ के कहीं भी नहीं गया जैसाब, अगर मैंने किसी को चुना लगाया तो मुंबई वालों को। जैसा इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। हमारी मेहनत की कमाई को डकार कर इसने हमें धोखा दिया है सर। कसूरवार विनायका रियल एस्टेट के मालिक श्री शमशेर सिंह ने भले ही अपनी गलतियों को कबूल कर लिया हो, लिहाजा ये कोर्ट
उन्हें और उनके साथियों को धोखा देने के मामले में और उनका साथ देने वाले सरकारी अफसरों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का हुक्म देती है ये कोर्ट। हाँ बोलिए, जज साहब कोर्ट से सीधा घर ही जाने वाले हैं, आप सीधे उनके घर ही आ जाइए। केवल यही नहीं, इस केस में हरीश और उनके दोस्तों ने कानून का उल्लंघन किया है कोर्ट अच्छी तरह से जानती है, लिहाजा उनके अपराधों के लिए तीनों को 5,000 रुपया जुर्माना भरने का हुक्म देकर ये कोर्ट उन्हें रिहा करती है तथा इस केस का आखिरी फैसला कल ही होगा। सक्सेस। राजनीति में बड़े बड़े पैंतरे खेले हैं मैंने, इन्होंने तो उल्टा मुझे ही फंसा दिया, तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। चलो हो, अगर कोई आगे आया तो मैं इस जज को शूट कर दूंगा। अब शूट दिस जज। जल्दी से जल्द गाड़ी मिटाओ, जल्दी कम ऑन, एयरपोर्ट एयरपोर्ट चलो, एयरपोर्ट मार, ओए 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 टक्कर मार मार, ओए ओए जल्दी से मार। डिपार्टमेंट को आदेश देती है कि वो जल्द से जल्द शमशेर सिंह की सारी जायदाद को बेचकर उन पैसों को उन लोगों को दे दे जिन्होंने घर खरीदने के लिए विनायका रियल एस्टेट को दिए थे, और साथ ही शमशेर सिंह को मुजरिम करार देते हुए ये अदालत 10 साल की कड़ी से कड़ी सजा सुनाती है।